यूज ऑफ रिविजन क्लाउड, रिविजन क्लाउड का क्या यूज है, चलिए देखते हैं रिविजन क्लाउड का यूज। तो हम यहाँ टाइप करेंगे रिविजन, या हम टाइप करेंगे आर ई वी क्लाउड सी एल ओ यू डी इंटर। अगर हम ड्रॉ करते हैं अब तो ये देखिए कुछ यूं ड्रॉ होगा, कुछ यूं ड्रॉ होगा। देखिए देख रहे हैं ये किस तरह ड्रॉ हुआ, तो यही रिविजन क्लाउड है, ये कुछ इस तरह ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। फिर से देखते हैं आर ई वी सी एल ओ यू डी इंटर और हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए तो ये इस तरह का, इस कमांड के थ्रू कुछ इस तरह का बनता है। लेकिन इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को भी एक परफेक्ट शेप में इस तरह का दे सकते हैं। कुछ आप ऑब्जेक्ट जब ऑटोकैड में काम करिएगा तो कुछ इस तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसी पूरे रेक्टेंगल को किस तरह रिविजन क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे आर ई वी क्लाउड सी एल ओ यू डी इंटर ए इंटर, जो आर्क वैल्यू होता है, जो ये बाइंड हो रहा है, ये आर्क जो बन रहा है उसका हम वैल्यू डालेंगे 1 इंच। एंड अदर टाइप ओ इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा बन चुका है रिजन क्लाउड की तरह, ये एक रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछेगा यस और नो, अगर आप देखेंगे नो में है तो ये अंदर की तरफ आर्क हमारे हैं, अगर आप यस कर दीजिएगा तो ये आर्क बाहर की तरफ हो जाएंगे। चलिए आप तो नो में देख रहे हैं कि ये अंदर की तरफ है हमारे आर्क, लेकिन यस करते हैं तो देखिए ये बाहर की तरफ हो जाएंगे, ये देखिए ये बाहर की तरफ है। तो इस तरह के डिज़ाइन आपको हो सकता है काम है ऑटोकैड में, जब आप काम कर सकते हैं इजीली आप बना सकते हैं विद कमांड। तो आप सीखते रहिए।